मैं डॉक्टर इंदु खोसला हूँ। मैं बच्चों की लंग स्पेशलिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपको आज एक ऐसे चीज के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, शायद जिसके बारे में आप ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। हाँ, मैं आपको बच्चों की स्लीप स्टडीज के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये स्लीप स्टडीज क्या चीज है? तो जिन बच्चों को नींद में जब सोते हैं, जब उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसे हम स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग बोलते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग को डायग्नोज करने के लिए हमको स्लीप स्टडीज करने की जरूरत पड़ती है। ये बच्चों को आप देखें तो नींद में कभी बहुत जोर से घर्राटे मारते हैं, कभी ये बच्चे नींद में उठ के भी बैठ जाते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। पर वो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमें स्लीप स्टडीज करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको पहले ये बताऊं कि अगर आपके बच्चे को स्लीप स्टडी करने की जरूरत है तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। सबसे पहले कि आप ये देखिए कि आपका बच्चा उस दिन या उसके स्लीप स्टडी के 2-3 दिन पहले भी स्लीप का उसकी जो हाइजीन है, जैसे उसका सोने का टाइम या उठने का टाइम थोड़ा रेगुलर रखे कि बच्चा रात को 10-11 बजे जो सोता है वो सो जाए और सुबह वक्त पे उठे। जिस दिन आपकी स्लीप स्टडी हो उस दिन बच्चे को दिन में ना सुलाएं, क्योंकि फिर वो स्लीप लैब में आके बराबर से सो पाएगा। बच्चों को सिर पे तेल ना लगाएं और उनका सिर उस दिन आप शैम्पू से या साबुन से धो दीजिए, क्योंकि हम जब स्लीप स्टडी में इलेक्ट्रोड्स बच्चे के सिर के ऊपर फिक्स करते हैं तो उसमें अगर तेल लगा हो तो उसमें हमें दिक्कत आती है। आपके बच्चे को सोने के टाइम पे जो भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे उसका नाइट ड्रेस हो या फेवरेट टॉय हो या कोई कंबल हो, वो आप सब साथ में लेके जरूर आइएगा। और आप हम एक पेरेंट को बच्चे के साथ अलाउ करेंगे और जो बच्चे के साथ रह सकता है कि बच्चा वो कंफर्टेबल रहे और हमारी स्लीप लैब में सो सके। SRCC हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पे AEG लैब में हमारी स्लीप लैब है। वहां बच्चे आने के बाद ये बिल्कुल आप अपने बच्चे को जरूर समझाइए कि आप बच्चे को कोई इंजेक्शन नहीं लगने वाला या कोई किसी प्रकार का उसको दर्द नहीं होने वाला। इस स्टडी में हम तरह तरह के इलेक्ट्रोड्स बच्चे के सिर पे, बच्चे के चेहरे पे, बच्चे के छाती पे और एब्डोमेन पे, पेट पे फिक्स करते हैं। ये इलेक्ट्रोड से हमें ये जानकारी मिलती है कि बच्चे का स्लीप के स्टेजिंग कैसी है और बच्चे की नींद में उसकी ऑक्सीजन सही जा रही है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड सही है, अगर वो स्नोर करता है या घर्राटे लेता है तो वो कितने जोर से स्नोर करता है, और बच्चा अगर नींद में उठ रहा है तो उसका ऑक्सीजन कम हो रहा है इसलिए वो उठ रहा है, तो उसमें हम चेस्ट पे और एब्डोमेन पे बेल्स डाल के हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे की सांस रुक रही है या बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है। ये सबसे हमें ये जानकारी मिलती है कि बच्चे की स्लीप रेस्टफुल है, पूरी रात बच्चा बराबर से सोया है और उसको ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से मिली है कि नहीं। आपको हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें आप ये देख पाएंगे कि बच्चे को हम स्लीप लैब में किस तरह से मॉनिटर्स में फिक्स करते हैं और किस आसानी से बच्चा रात भर सो सकता है और हमें ये पूरी जानकारी मिल सकती है। जब आपका बच्चा पूरी रात स्लीप लैब में रह के ये ओवरनाइट उसको रहना पड़ता है, वो ओवरनाइट रहने के बाद हम अगले दिन वो पूरी स्टडी हम एनालाइज करते हैं। अगर आपका बच्चा कोई दवाइयों पे है तो प्लीज आपके डॉक्टर को जरूर वो जानकारी दे दीजिए कि अगर कोई दवाइयां अगर चल रही है वो इम्पोर्टेंट है कि आपके डॉक्टर वो जाने। तो ये हमारी लिटिल गर्ल है जिसपे हम स्लीप स्टडी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमने इसके सिर पे एक छोटी छोटी ऐसी पट्टियां लगाई हैं जिसको हम EEG इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये EEG इलेक्ट्रोड्स इसलिए लगाए जाते हैं, इससे हमको स्लीप के अलग अलग स्टेजेस के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ और यहाँ भी इसके चिन पे भी इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जिससे हमको स्लीप के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जानकारी मिलती है। सिमिलरली आँख के नीचे भी हमने ये इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, उसके आँख के मूवमेंट से भी हमको पता चलता है कि बच्चा अवेक है या सो रहा है। इसके अलावा यहाँ 2 बेल्ट हैं, एक ये वाली बेल्ट है और एक ये बेल्ट है। इससे बच्चे के चेस्ट और बॉडी के मूवमेंट्स में हमको अंदाजा आता है कि बच्चे को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही है या सांस रुक रही है। ये सब इनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इस मशीन के अंदर फेड है और इसमें और भी जो इसमें जो इनपुट जाते हैं ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे हमको ऑक्सीजन समझता है। इसके साथ में एक और जो ये कैन्यूला है नोज के अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करता है। ये जो 2 आपको नाक के अंदर कैन्यूला दिख रहे हैं वो मेजर करते हैं कि कितनी हवा अंदर जा रही है। अगर कम जा रही है तो हवा अंदर जा रही है तो वो भी हम पिकअप कर पाते हैं, नहीं जा रही है तो भी पिकअप कर पाते हैं।
ये सब ये मशीन के साथ कनेक्टेड है। इसकी टांग पे भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स हैं। ये हमको लेग मूवमेंट्स के बारे में जानकारी देता है कि अगर बच्चा नींद में ज्यादा लेग हिलाता है या उससे उसको दिक्कत आती है तो वो भी हम पिकअप कर सकते हैं। इसकी गर्दन पे और भी आप देखेंगे कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं। ये स्नोर पिकअप करता है कि बच्चा घर्राटे मार रहा है और किस अगर जोर से घर्राटे मार रहा है तो वो भी हमको पता चलता है। इधर हमारे साथ में आगे कैमरा भी है जो बच्चे की पूरी रात भर वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। तो अगर बच्चा सांस रोका या बच्चे को कोई दिक्कत आई या बच्चा जागा या सोया तो हम वो वीडियो रिकॉर्डिंग से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये सब जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो सर पे हैं, जो आंख के अराउंड हैं, जो चिन के अराउंड हैं, हमको स्लीप के स्टेजेस के बारे में बताते हैं। ये जो दो बेल्ट्स हैं चेस्ट पे और एब्डोमेन पे है हमको बच्चे की ब्रीदिंग की दिक्कत दिखाती है, और ये पल्स ऑक्सीमीटर हमको ऑक्सीजन बताता है, और नोज का कैनुला हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कितना नाक में है इसके अंदर हवा जा रही है नहीं जा रही है वो बताता है। ये हमको बताता है लेग मूवमेंट्स के बारे में। इस प्रकार से हम ये सब हमारे एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है जो बाहर कंप्यूटर पे है। वो हम रात भर हम एज ए टेक्नीशियन बैठते हैं और सेकेंड बाय सेकेंड हम देखते रहते हैं कि बच्चे को किस प्रकार से दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर वो स्टडी एनालाइज होती है।